जिला हमीरपुर में आरटीपीसीआर टेस्ट में 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि पॉजिटिव पाए गए लोगों में बड़सरूप मंडल के गांव जमली डाकघर लफरान के 5 लोग, जिनकी आयु 61 वर्षीय महिला, 87 वर्षीय महिला, 65 वर्षीय व्यक्ति, 33 वर्षीय युवक, 23 वर्षीय युवक और 62 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। गांव भरमोटी के 3 लोग, 33 वर्षीय पुरुष, 32 वर्षीय महिला और 62 वर्षीय पुरुष शामिल है। गांव सोहरी के 57 वर्षीय महिला, गांव नैन की 35 वर्षीय व्यक्ति, गांव बालबेहाल बड़सर का 33 वर्षीय व्यक्ति, धंगोटा क्षेत्र के गांव खान का 33 वर्षीय व्यक्ति, गांव अगवी की 20 वर्षीय युवती पॉजिटिव पाई गई है। वहीं हमीरपुर तहसील के गांव कोट का 40 वर्षीय पुरुष पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा हमीरपुर के वार्ड नंबर 8 की 33 वर्षीय महिला और नया नगर की 23 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वार्ड नंबर 2 रामगली के 26 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाया गया है। टौणी देवी क्षेत्र के तहत आने वाले गांव सिसवा के 45 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं हमीरपुर के निकटवर्ती बुरोहा की 50 वर्षीय महिला और 40 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हमीरपुर तहसील के ही भरटिया क्षेत्र के गांव भुट की 39 वर्षीय महिला और 75 वर्षीय वरिष्ठ पुरुष पॉजिटिव पाया गया है। गांव मेड़ की 68 वर्षीय और 42 वर्षीय महिलाएं पॉजिटिव पाई गई हैं, जबकि पट्टा में कार्यरत 30 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि करोड़ क्षेत्र के गांव भराड़ी का 36 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। गांव लाड़ डागर हथोल का 61 वर्षीय महिला और 10 वर्षीय लड़की, जबकि जोल सप्पड़ के गांव सरौर की 45 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 लोग, 18 वर्षीय युवक, 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक और 32 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जबकि गांव बड़ाग्राम में भी 1 पॉजिटिव मामला सामने आया है। इसके अलावा रैपिड टेस्ट में भी 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं।